दोस्तों मायजूस ने जो नया अपडेट लाया है और काफ़ी जीतने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और मैं इतने दिन से वीडियो बना नहीं पाया। अभी जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मायजूस ऐप अवेलेबल मिल जाएगा, जाके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं इंस्टॉल करके रखा है और पहले से इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है। और मैंने कल एक वीडियो बनाया मायजूस ऐप से कैसा आप टिकट प्रोसेस कर सकते हो कोई भी कंट्री से, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोई भी कंट्री, इंडिया, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, कोई भी जगह से आप लोग टिकट कैसे मायजूस ऐप से बाई कर सकते, प्रोसेस कर सकते, ठीक है। ठीक है, नया अपडेट आया मायजूस ऐप में और काफ़ी सारा चेंजेस हो चुका है और मैं साइन इन हो चुका मायजूस ऐप का अंदर और देख पा रहे होम पेज पूरा चेंज हो चुका है, काफ़ी पूरा चेंज हो चुका है, देख पा रहे हैं आप लोग, पहले जैसा नहीं है। इसलिए गूगल प्ले स्टोर पर इतना दिन से अवेलेबल नहीं था, इन लोग ने कुछ ना कुछ अपडेट देते ही रहता है, ठीक है। और हर एक सैटरडे रात को 9 बजे खुला होता है, ये देख पा रहे हैं, अभी 2 दिन बाकी है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 2 दिन बाकी है, सब सैटरडे को खुला होगा और देख पा रहा है 2 आवर्स 38 मिनट्स बाकी है और यहाँ पर 40 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग चलता रहता है। और फर्स्ट प्राइस देख पा रहे हैं आप लोग 20 मिलियन और यहाँ पर देख पा रहा है 3 लाख दिरहम, मतलब 300,000 दिरहम, ये 3 लोगों को मिलेगा। आप लोगों को मैं अभी समझाऊँगा कैसा है, ठीक है। ये बहुत काफ़ी सारा मतलब चेंजेस किया और ऐसा आप लोगों को मैं बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे लास्ट ड्रॉ जो रिजल्ट आया है यहाँ पर 1, 4, 19, 24, 36 मारा, ठीक है। इसमें तो किसी को भी नहीं लगा, देख पा रहे आप लोग नीचे मैच किसी को भी नहीं हुआ। और यहाँ पर देख पा रहा है ये 4 जो बॉल मैच हुआ 19 लोगों का होगा तो 19 लोगों को पूरा जो ये मैं आपको ऊपर क्या समझा देता हूँ, बाद में आपको यहाँ पर बोलूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो नया अपडेट आया है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आवर प्राइस में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट पर लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पर सारा हिस्ट्री लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद पूरा चेंजेस किया इन लोग ने, क्या क्या चेंजेस किया। अभी चांसेस ज़्यादा हो जाता है लगने के लिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, ठीक है, ऐसा चांसेस ज़्यादा हो जाता है। कैसे देखिए, मैच एंड 5 बॉल, इसमें तो आपको 20 मिलियन दिरहम मिलेगा। अगर 2 लोगों को लग गया तो आपको हाफ डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसा है। अगर 4 बॉल मैच हो रहा है, 2 नंबर में 4 बॉल मैच हो रहा है तो आपको 1.5 लाख दिरहम मिलेगा, 1,50,000 दिरहम मतलब। और उसमें जो अगर 19 लोग, अभी मैं आप लोगों को दिखाया जो 4 बॉल 19 लोगों को मैच हुआ, ठीक है, 1.5 लाख दिरहम लगा तो 19 से आपको डिवाइड होगा, 19 लोगों को 1.5 लाख डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि 1.5 लाख दिरहम को डिवाइड करके कितना होता है 19 लोगों को, वही हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अगर 2 लोग लगेगा तो 2 लोगों को डिवाइड होगा, अगर 1 लोगों को लगेगा तो 1 ही लोगों को 1.5 लाख दिरहम मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है अभी। और सेम तीन नंबर में भी जो 3 बॉल अगर मैच हुआ उसमें, अगर 3 बॉल में कितना लोगों को मैच हुआ, जितना लोगों को मैच हुआ उतना लोगों को ही ये डिवाइड किया जाएगा। और जो लास्ट का 2 नंबर आता है, जैसे कि दो नंबर मैच हुआ आपको एक टिकट मिलेगा 35 दिरहम में, और लास्ट का जो मैच होएगा तो आपको 5 दिरहम मिलेगा। और रेफाइल ड्रॉ में आपको दिख पा रहा है ट्रिपल जो 100 रेफाइल ड्रॉ, इसमें 3 लोगों को जो 3 लाख दिरहम है, 1 लाख दिरहम 3 लोगों को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद मैं आप लोगों को अभी बताया ना, चार लोगों को जो मैच, 4 बॉल जो मैच हुआ है 19 लोगों का, 19 विनर्स का हुआ है, मतलब ये दूसरा जो है 1.5 लाख दिरहम 19 लोगों को डिवाइड करेगा, जितना को उतना ही मिलेगा, ठीक है। और 3 नंबर में जो काफ़ी लोगों को, देखिए मैं बोला ना चांसेस बहुत ही ज़्यादा है लगने के लिए, और 3 नंबर में जो 1.5 लाख उसमें भी 1.5 लाख दिरहम प्राइज़ है, ठीक है, उसमें 3 बॉल मैच हुआ 1,122 विनर्स हुआ, बाप रे बाप, तो इतना लोगों को डिवाइड करके 1.5 लाख दिरहम कितना हो रहा है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, कैलसी से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है। अभी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है लगने का, पहले ऐसा नहीं था, अभी ना कुछ अभी मिलेगा ही आप लोगों को वो हिसाब से अगर आप बॉल गिरेगा तो। और नीचे का 2 जो बोला मैं आप लोगों को, जैसे कि काफ़ी सारा लोगों को लगा, देख पा रहा है आप लोग, बाप रे बाप, 2 बॉल मैच हुआ 17,900, देख पा रहे हैं आप लोग, 17,937 विनर्स, देख पा रहे हैं आप लोग, ये इतना लोगों को टिकट मिला, मतलब 35 दिरहम
का जो एक टिकट मिलेगा आपको, फिर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे का जो बाप रे कितना लोगों को एक एक बॉल मैच हुआ, इन लोगों को 93,537 विनर्स जो 5 दिरहम करके मिलेगा, साथ में आप और 30 दिरहम ऐड करके आप टिकट प्रोसेस कर सकते, वह आप कुछ भी खा सकते, चाय नाश्ता पराठा खा सकते, ठीक है। अभी ना ऐसा इन लोगों ने अपडेट दिया, और नीचे देख पा रहे हैं आप लोग 300 रेफाइल मतलब 3 लाख दिरहम आप लोग 3 लोगों को देगा, ये 100 रेफाइल ड्रॉ है ऐसा विनर्स है। नीचे देख पा रहे आप लोग टोटल कितना लोगों को लाग चुका है, अभी 7,50,320 लोगों को अभी विनर्स हो चुका है मजूस के अंदर। तो ऐसा ही अपडेट दिया उन लोग ने, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाता है लगने के लिए। और मैंने कल एक वीडियो बनाया, जाके देख लीजिए माजूस ऐप से कैसा खेल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, भाई हम सऊदी से हो, ओमान से, कतर से, इंडिया, नेपाल, बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है, भाई ये ऑनलाइन खेल सकते काफ़ी बहुत ही ईजिली है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग अगर सही से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वीडियो आप लोग देख लिया ना, तो आज बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। सबसे दिक्कत क्या आ रहा है आप लोगों को, बहुत सारे लोग यूज़र आईडी पासवर्ड भी भूल जाता है और खेल नहीं पाता है, और बहुत सारे लोग जो अपना डेबिट कार्ड होता है, कोई क्रेडिट कार्ड से खेलते हैं, कोई डेबिट कार्ड से खेलते हैं, और बहुत सारे लोगों को डेबिट कार्ड भी समझ में नहीं आता और क्रेडिट कार्ड भी समझ में नहीं आता। बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग मुझे कमेंट्स करता रहता है, भाई डेबिट कार्ड जो होता है, जो आप बैंक अकाउंट खुलाता है या खोलने के टाइम एक कार्ड देता है, जो सेविंग अकाउंट खुलाता है आप खुलाने के टाइम एक डेबिट कार्ड देता है, जो आप पैसा निकालता है और डालता है उसको डेबिट कार्ड बोलता है। और पूरा दुनिया में वीज़ा एंड मास्टर कार्ड जो प्रोवाइड कराता है कंपनी, वही बैंक का थोड़ा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वही वीज़ा एंड मास्टर कार्ड वर्ल्ड में किधर भी आप इंटरनेशनल में आप कोई भी चीज़ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ भी चीज़ प्रोसेस कर सकते हो, कोई भी कंट्री का हो, आप किधर भी हो, ठीक है, चाहे नेपाल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी जगह पर से वीज़ा एंड मास्टर कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट करता है माजूस में, ठीक है। सिर्फ आपको कार्ड, अगर कार्ड आप इंटरनेशनल एक बार देख लेने का आपका कार्ड एक्टिवेट है क्या नहीं, कोई भी बैंक का हो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, ठीक है, होना चाहिए, और माजूस आप खेल सकते हैं। देख पा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, बाई नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मैं आप एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैं नंबर ले लिया, उसके बाद नीचे आया ऐड टू कार्ट, उसके बाद चेकआउट, यहाँ पर देख पा रहा मैं आप लोगों को बताया अभी वीज़ा एंड मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो देख पा रहा मैंने दो बार, मैं 3 कार्ड मैंने यूज़ कर चुका हूँ, यहाँ पर देख पा रहा वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। और ऐड न्यू कार्ड पर जैसे क्लिक करेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एकदम इजली। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरा नहीं हो रहा है, मेरा क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपको कार्ड पर बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग बैलेंस भी नहीं रहता है, वही हिसाब से आपको 35 दिरहम का हिसाब से आप गूगल पर जाइए, आप जो भी कंट्री में है वहाँ का हिसाब से बैलेंस रख दीजिए, ज़्यादा रख दीजिए, बाद में आप ट्रांजेक्शन करिए, ऑनलाइन खेलिए, पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बैलेंस भी नहीं होगा तो फेल्ड आएगा, ठीक है, ज़्यादातर फेल्ड भी आता है। और कार्ड नंबर ऊपर जो है ना, कार्ड नंबर बराबर डालिए, उसके बाद एक्सपायर मंथ बराबर डालिए, एक्सपायर ईयर बराबर डालिए, सिक्योरिटी कोड मतलब कार्ड का जो बैक साइड में 3 अंक का नंबर तो भी बराबर डालिए, और कार्ड का नेम भी आपको जो नाम है वही नाम डालने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप करेंसी भी चेंज कर सकते, जो भी कंट्री से आप खेल रहा है, अगर यहाँ पर है आपका हिसाब से करेंसी दिया है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही हिसाब से आपको पैसा काटेगा, नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, ठीक है, ए आई डी रहने दीजिए। अगर आपका कंट्री, आप नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ पर अगर दिया है आप, जैसे कि इंडिया INR, कुवैत KWD ये सब रहता है, ठीक है। अगर आप लोगों का कंट्री के हिसाब से नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, ए आई डी में रहने दीजिए, वही ऑटोमेटिक वही हिसाब से आपको करेंसी के हिसाब से काट जाएगा, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। यहाँ पर पेपर जैसे क्लिक कर देंगे आप लोग, ये तुरंत ही पे हो जाएगा, OTP डाल देंगे, बराबर से आपको डालना है, ठीक है। आप लोग बराबर डालता ही नहीं ध्यान से, और मैं बता दिया आप लोगों को कार्ड इंटरनेशनल एक्टिवेट होना चाहिए, बहुत सारा कार्ड में इंटरनेशनल एक्टिवेट नहीं रहता है, ठीक है, और बहुत सारा लोग कार्ड में ऑटोमेटिक इंटरनेशनल एक्टिवेट रहता है। उसके बाद देख पा रहा मैं जैसे कि ऐप काफ़ी सारा चेंज हो चुका है, ऊपर जो राइट साइड में 2 लाइन देखा है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो टिकट कार्ड प्रोसेस किया माई अकाउंट पर जाने का, नीचे जाने के बाद माय गेम्स पर मैं जैसे जाता हूँ, ये नंबर मैंने लिया अभी जो सैटरडे खेला होगा और 2 दिन बाकी है, ठीक है,
1-10-36-40-49 मैंने ये जो रेफाइल आईडी देख पा रहा है मेरा सामने व्यू टिकट पर, मैं जैसे क्लिक करता ये मेरा टिकट है देख पा रहा है, ये मैंने लिया है ठीक है। ये सैटरडे खेला होगा, ये माई गेम्स पर जो नया टिकट आया है ठीक है। और मैं पहले का टिकट भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि फिर से टू लाइन पर जाता हूँ और माई अकाउंट्स पर जाता हूँ, टिकट हिस्ट्री पर जाता हूँ। काफ़ी सारा मैं पहले ये सब टिकट लिया, तभी ये सब बॉल मैच होगा तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अभी देखता हूँ बॉल अगर मैच हुआ तो क्या मिलता है ठीक है। और पहले भी देखिए 6 बॉल मैच होने पर आपको फर्स्ट प्राइज मिलता था देख पा रहे, बहुत पहले का है। अभी धीरे धीरे लोग 5 किया और बहुत सारा चीज़ बदलाव किया ठीक है, अभी लगने का बहुत ही चांसेस है और बहुत सारा लोग मायूस खेलते रहता है। चाहे कोई भी कंट्री से आप लोग खेल सकते हैं ठीक है, खेलने के बाद अगर आप बड़ा विनर बड़ा प्राइज लग गया तो आपको पार्टिसिपेट करेगा, करने के लिए बोलेगा, फ़ोन आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, सब कुछ आएगा ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं भाई हम लोग विनर्स होगा तो हम कैसे आएंगे, आप लोगों को कॉन्टेक्ट करेगा, उन लोग ज़रूर कॉन्टेक्ट करेगा। पहले तो खेलिए, खेलने के बाद अगर विनर्स होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ठीक है। अगर आप बाहर में रह रहे, इंडिया से खेल रहे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से खेल रहे, तो आपको पासपोर्ट लाजिम तो होना ही चाहिए। अगर आप बड़ा प्राइज लग गया तो पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे और आ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ उन लोग सोल्यूशन बोलेगा ना क्या करना है नहीं करना है ठीक है, पहले आप खेलिए। तो बस इतना ही था आज का वीडियो, और कैसा लगा वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके रखिएगा ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे ही देखते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा ठीक है। लाइक करेगा तो आप लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा, और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखिए ठीक है। नोटिफिकेशन का बेल ऑल ऑन करके रखेगा तो आप लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा और आप लोग सही टाइम में देख सकते ठीक है। चलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं, और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आके फॉलो करके बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों को 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर दूँगा।